नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DRC के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। आज आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज का टॉपिक जो रहेगा वो है ऑटोमेटिक गाड़ी। आज हम बात करेंगे ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के बारे में, उसकी वर्किंग कैसे होती है और आप फर्स्ट टाइम अगर ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हैं तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो चलिए बात करते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी के बारे में। सबसे पहले जो डिफरेंस मैनुअल और ऑटोमेटिक गाड़ी में आपको देखने मिलेगा वो है ये। यहाँ पर आपको कोई क्लच नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा एक ब्रेक और एक एक्सेलेटर। तो ये बड़ा डिफरेंस है। नॉर्मल गाड़ी में मैनुअल में आपको 3 पैडल मिलते हैं, ऑटोमेटिक में आपको 2 ही पैडल मिलते हैं। दूसरे डिफरेंस की बात करें तो आपको एक गेयरबॉक्स में नज़र आएगा। मैनुअल आपको 5 स्पीड या 6 स्पीड शिफ्टिंग के हिसाब से मिलता है। इसमें सिर्फ फ्रंट एंड रियर शिफ्टिंग मिलेगा आपको और इस तरह के आपको ऑप्शंस मिलेंगे PR ND S&L। तो इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि किस किस चीज़ के लिए क्या क्या ऑप्शन यूज़ होते हैं। तो आज हमारे पास है होंडा अमेज का डीज़ल वर्जन विद ऑटोमेटिक। तो जैसे कि आपको बताया था कि ऑटोमेटिक में आपको 2 ही पैडल मिलते हैं, तो जो गलती लोग करते हैं पहली बार ऑटोमेटिक चलाने में, कई लोग ये समझते हैं कि जो दो हैं ब्रेक एंड रेस जो हैं वो हमें दोनों पैर से ऑपरेट करना है। कई लोग ये समझते हैं कि लेफ़्ट से हम ब्रेक दबाएंगे और राइट से हम एक्सेलेट दबाएंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो लोग ऑटोमेटिक चलाते टाइम फर्स्ट टाइम करते हैं। इससे होता क्या है कि आप ड्राइव तो कर लेते हैं बट जब ब्रेकिंग का टाइम आता है, आप जब लेफ़्ट फुट से ब्रेक दबाएंगे तो वो बहुत ज़ोर से दबेगा और गाड़ी एकदम झटके के साथ रुकेगी और एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। बिकॉज़ आपका लेफ़्ट फुट हमेशा क्लच को दबाता रहा है, तो क्लच आप हमेशा प्रेशर से दबाते हैं, ब्रेक को इतने प्रेशर से नहीं दबाना होता है। तो ये पहली मिस्टेक है जो लोग करते हैं और जिसके कारण कई हादसे भी हुए हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो आपको जो बातें ध्यान में रखनी है वो आपको ये है कि जब भी आप ऑटो गाड़ी चला रहे हैं तो आपके लेफ़्ट फुट का आपने कोई यूज़ नहीं लेना है। सबसे पहली बात, जब आप ऑटोमेटिक गाड़ी में बैठेंगे आपने अपना लेफ़्ट फुट जो है वो लॉक कर लेना है, क्योंकि अगर आप वहाँ रखेंगे लेफ़्ट फुट तो आप गलती से फिर क्लच की जगह ब्रेक को दबा देंगे। तो आप इसको जो लेफ़्ट फुट आपका, इसको आप लॉक कर लें किसी सीट के साथ या यूँ। जब फर्स्ट टाइम आप चला रहे हैं तो आपको आदत पड़ जाएगी इस चीज़ की। उसके बाद गियर शिफ्ट की बात करते हैं। सबसे पहले ये आपको P दिखेगा ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में। P का मतलब पार्किंग होता है। जब भी गाड़ी खड़ी करनी है आपको P मोड में ही खड़ी करनी है और तभी ये गाड़ी बंद होगी। और इसकी अगर की है तो की जब ही निकलेगी जब अगर ये P मोड में है तो। और इसकी शिफ्टिंग के लिए हमें ब्रेक प्रेस करना ज़रूरी है। जब भी इसको शिफ्ट करेंगे तो ये ब्रेक, जैसे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर इसका एक लॉक होता है शिफ्ट का, आप देख सकते हैं बटन। तो आपने ब्रेक पहले दबाना है और फिर इसको शिफ्ट करना है। अब देख सकते हैं R मीन्स रिवर्स, ये इसका रिवर्स गियर एंगेज हो गया। देन न्यूट्रल, ये मैनुअल गाड़ी की तरह न्यूट्रल मोड है। आप इसमें ब्रेक को छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, गाड़ी मूव नहीं होगी। देन आता है इसका ड्राइव। ये ड्राइव मोड जो है सबसे ज़्यादा यूज़ में आएगा बिकॉज इससे गाड़ी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। अगेन हम ब्रेक प्रेस करके इसको ड्राइव में डालेंगे तो अब ये गाड़ी ऑटोमेटिक। एक और बात बता दें आपको, जैसे ही आपने ब्रेक दबा के शिफ्ट होगा और जैसे ही आप ब्रेक छोड़ेंगे तो ये गाड़ी मूव होना शुरू हो जाएगी, चाहे आप एक्सेलरेट दीजिए चाहे मत दीजिए। तो जब भी आपको रोकना है ब्रेक प्रेस करके ही रखना पड़ेगा, और जब भी आपको गाड़ी बंद करनी है आपको पी में ही बंद करनी है। पी में गाड़ी मूव नहीं होगी आगे पीछे। और ये जो दो मोड हैं, ये एक एस मोड है जिसको हम स्पोर्ट्स कहते हैं। इसमें थोड़ी आपको एक्सेलेरेशन और ये शिफ्टिंग ज़्यादा मिल जाती है। देन एक ये लो मोड होता है, ये आप हिल्स में यूज़ कर सकते हैं। इसमें गाड़ी अब जो गेयरबॉक्स है वो पावर में आपको ज़्यादा रखेगा। तो चलिए डी से शुरुआत करते हैं। ये आपने इसको डी में डाला और ब्रेक छोड़ते ही गाड़ी चल पड़ेगी। अब आपको सिर्फ एक्सेलेट दबाना है और ये गाड़ी आपकी चलती जाएगी।
सेकंड थिंग, एक और अगर आप मैनुअल चलाते रहें तो आपको आदत रहती है गियर पे हाथ रखने की, वो आपने अवॉइड करना है, इस पे हाथ नहीं रखना आपको, क्योंकि आप अगर हाथ रखेंगे तो आप गलती से उसको शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप एक हाथ और ये लेफ़्ट हैंड और लेफ़्ट लेग जो है इसको आपको लॉक करके ही रखना है, इसका कोई यूज़ नहीं आपने ज़्यादा करना है, सिर्फ एक फुट से गाड़ी चलेगी। होंडा बेसिकली CVT गेयरबॉक्स यूज़ करता है, तो इस गाड़ी में CVT है। ये दो तीन टाइप के गेयरबॉक्स आते हैं ऑटोमेटिक में, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आप कमेंट्स में हमें ये वीडियोस देखना चाहते हैं कि DCT CVT इनमें क्या डिफरेंस होता है, तो एक उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक ही पैर से मैं राइट हैंड, जो मेरा पैर है राइट, उससे मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। और ऑटो गाड़ी मैनुअल के मुकाबले काफ़ी स्मूथ चलती है और एफर्टलेस रहती है, बिकॉज इसमें आपको बार बार क्लच दबा के गियर नहीं डालना पड़ता, गियर जो शिफ्टिंग है वो गाड़ी का गियरबॉक्स खुद करता है, आपको सिर्फ ब्रेक और एक्सेलरेट पे ध्यान रखना है। तो ऑटोमेटिक गाड़ी वैसे काफ़ी इजी रहती है मैनुअल के कंपैरेटिवली चलाने में, और फ्यूचर जो आप देख रहे हैं अब सब गाड़ियों में ऑटोमेटिक लगभग ऑप्शंस आ रहे हैं। अब जो स्टार्टिंग रेंज है गाड़ियों की उसमें भी ऑटोमेटिक काफ़ी आने लग गया, पहले सिर्फ हायर रेंज में ऑटोमेटिक्स आते थे, अब स्टार्टिंग रेंज की गाड़ियों में भी ऑटोमेटिक आ रहे हैं और लोग ले रहे हैं, और काफ़ी ईजी रहता है चलाने में ट्रैफिक में। कई लोग अभी भी हिचकिचाते हैं ऑटोमेटिक लेने से, बिकॉज उन्हें लगता है कि कैसे चलेगा या क्या इसमें प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑटोमेटिक गाड़ी आप अगर एक बार चलाएंगे तो उसके बाद आप मैनुअल आपकी चलाने की इच्छा कम रहेगी। तो ऑटोमेटिक्स का जो फ्यूचर है, अगर इंडिया में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है, अब आने वाले टाइम में आपको ऑटोमेटिक गाड़ियाँ ही दिखेंगी। तो कुछ चीज़ों का ध्यान आपने रखना है, और जो हमने आपको बताई हैं बस उसके हिसाब से अगर आप इसको चलाएँगे तो आप एक दिन के अंदर भी ऑटोमेटिक्स, जो ऑटोमेटिक गाड़ी है उसके ऊपर अपना हाथ सेट कर सकते हैं। जैसा कि आपने कभी कई वीडियोस में देखा है शोरूम्स के अंदर कई गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हुए, तो वो ऑटोमेटिक के कारण ही हुए, बिकॉज़ वो ऑटोमेटिक गाड़ियां थी और जो उनको चला रहे थे फर्स्ट टाइम उन्होंने कभी या तो ऑटोमेटिक चलाया नहीं था, तो शोरूम के अंदर ही उन्होंने जैसे ही बैठे और एकदम से एक्सेलरेट किया और वो गाड़ियाँ एक दो तो छत से नीचे गिरी हैं, एक दो दीवार में एक्सीडेंट हुई हैं। तो फर्स्ट टाइम जब आप चला रहे हैं गाड़ी तो आपको थोड़े से ओपन एरिया में चलानी चाहिए ऑटोमेटिक, और एक दो किलोमीटर चलाते ही आपको इसका प्रिंसिपल समझ आ जाएगा, उसके बाद आप इस चीज़ में मार नहीं खाएंगे। बट पहली बार जब आप चला रहे हैं तो आपको किसी भी टाइट सिचुएशन में या टाइट पार्किंग में या वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक पे ट्रायल नहीं करना चाहिए। जब भी आप फर्स्ट टाइम ऑटोमेटिक चला रहे हैं आप एक खुली रोड या ओपन रोड पर इसका ट्रायल लें, और ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये आपको समझ में नहीं आएगा, ऑटोमेटिक बहुत इजी है और मैनुअल से ज़्यादा इजी आपको चलाने में ये फील होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के बारे में। उम्मीद करते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी वो आपके लिए यूज़फुल रहेगी और आपके काम आएगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको रूटीन में डालते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।